हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कॉम्बीफ्लेम टैबलेट की संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस टैबलेट के कंपोजिशन, यूजेस, डोसेस, वर्किंग, देन टैबलेट सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स, ये सब पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, कॉम्बीफ्लेम टैबलेट के अंदर जो मेन कंपोजिशन होता है वो है आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल। जो आइबुप्रोफेन है वो 400 mg होता है और पैरासिटामोल ये 325 mg होता है। इस टैबलेट को सैनोफी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी बनाती है और इसकी जो 20 टैबलेट स्ट्रिप आती है उसकी प्राइस है 41.87 रुपीज। देन यूजेस क्या है कॉम्बीफ्लेम टैबलेट के? देखिए गाइज, ये टैबलेट मेनली हम पेन रिलीफ और फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ये जो टैबलेट है वो हम मेनली पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं। जो कंडीशन है जैसे कि हेडेक, देन माइल्ड माइग्रेन, देन मसल पेन, डेंटल पेन, देन रिमेटाइड अर्थराइटिस, देन ऑस्टियो अर्थराइटिस और पेनफुल मेंसेस, इन सब कंडीशंस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हम कॉम्बीफ्लेम टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। देन डोसेस कैसे लेनी है? देखिए गाइस, किसी भी प्रकार की टैबलेट लेने से पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इस टैबलेट के बारे में भी आपको पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर इस टैबलेट के आपको डोज और ड्यूरेशन सजेस्ट करेंगे, उतने दिन आपको ये टैबलेट लेनी है। जो अडल्ट डोज इस टैबलेट का है वो है 1 tablet 3 times a day, मतलब आपको दिन में 3 times ये टैबलेट लेना है और ये टैबलेट आपको खाना खाने के बाद लेना है। देन वर्किंग ऑफ कॉम्बीफ्लेम टैबलेट। देखिए गाइस, इस टैबलेट के अंदर आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल होता है। ये दोनों कंटेंट सर्टन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक करते हैं और उनके वजह से जो फीवर और पेन या तो इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है उनसे हमें रिलीफ मिलती है। ऐसे मेनली ये आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल वर्क करते हैं। देन कॉम्बीफ्लेम टैबलेट सेफ्टी हम देखते हैं। देखिए गाइस, अल्कोहल कंज्यूमर्स के अंदर ये टैबलेट अनसेफ है। यदि आपको ये टैबलेट लेनी है तो आपको अल्कोहल लेना अवॉइड करना है। देन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उसके बाद वो ये टैबलेट ले सकती है। देन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उनके अंदर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करना सेफ है, मतलब ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इस टैबलेट को ले सकती है। और जो किडनी डिसीजेस और लीवर डिसीजेस के पेशेंट है उनके अंदर डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, इसलिए उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो ये मेन सेफ्टी है कॉम्बीफ्लेम टैबलेट की। लास्ट देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉम्बीफ्लेम टैबलेट। देखिए गाइस, इस टैबलेट के वजह से हार्ट बर्न, देन इंडाइजेशन, नोजिया और स्टमक पेन, ये 4 साइड इफेक्ट्स जनरली दिखते हैं। और यदि आप इस टैबलेट को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो तो आपके अंदर स्टमक ब्लीडिंग और किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए आपको यदि इस टैबलेट को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो ये संपूर्ण जानकारी है कॉम्बीफ्लेम टैबलेट की। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।